यस बेटा, सेवेंथ क्लास। आगे देखिए, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे का हम पढ़ते हैं अपना लेसन। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन एनॉर्मस साइज एज हिज लंग्स फिल्ड अप विद एयर। ही वुड ब्लो, ब्लो माने वैसे हवा में उड़ाना होता है। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ, वह अपने आप को उड़ा सकता था। अप टू एन एनॉर्मस साइज, एनॉर्मस माने बहुत विशाल काय आकार, अनोर्मस माने विशाल काय, साइज माने आकार, विशाल काय आकार में एज हिज लंग्स, जैसे ही उसके लंग्स माने फेफड़ों में फिल्ड अप विद एयर, जैसे ही उसके फेफड़े हवा से भरते थे तो वह अपने आप को बहुत ऊंचे विशाल काय बना करके बहुत ऊंचे तक उड़ा सकता था। व्हाइल हिज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और जब वह ऐसा करता था, व्हाइल हिज कलर, जब उसका रंग चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन से रेड हो जाता था, वह अपने रंग को कैसा कर लेता था, ग्रीन से रेड कर लेता था। ही वुड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग्स, हिंड लेग्स कौन सी होती हैं, वो अपने पंजों के बल बैठना, वह है ही वुड सिट अप, वह बैठ जाता था, ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने पंजों के ऊपर, वह अपने पंजों के ऊपर बैठ सकता था। स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर से उधर वह घूम सकता था या उड़ सकता था। होपिंग टू ओवर वे मी, होपिंग टू और आशा करते हुए, ओवर वे टू मेरे ऊपर से भी वह, मेरे ऊपर से भी वह आगे बढ़ते हुए, मेरे भी आगे बढ़ते हुए वह इधर उधर झांकता हुआ क्या करता था, बहुत आगे तक चला जाता था। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड, और अपने मुंह को बहुत चौड़ा क्या करता था, अपना मुंह वह बहुत चौड़ा करके, ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस, एंग्री हिस क्या होता है, गुस्से में देखना, धमकी भरा प्रदर्शन करना, एंग्री हिस माने धमकी भर। ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस, और वह बहुत ही धमकी भरे गुस्से में देखता था। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट टू फर्दर, बट हिज थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग किसको बोलते हैं, धमकी को, लेकिन उसका धमकी भरा प्रदर्शन आगे नहीं, डिस्प्ले वेंट टू फर्दर, आगे नहीं डिस्प्ले हो रहा था। ही डिड नॉट वाइट, और वह काट भी नहीं सकता था, या उसने काटा भी नहीं, ही डिड नॉट बाइट, उसने काटा भी नहीं, वो क्या कर रहा था, फेफड़ों में हवा भर के, और बहुत, देखिए ऊंचे, बहुत बड़ा शरीर करके अपने आप जैसे उड़ रहा हो, और जब वह ऐसा करता था तो उसका जो कलर था ग्रीन से वो रेड में बदल जाता था, और वह अपने पंजों के ऊपर बैठ जाता था, एक साइड से दूसरे साइड तक छलांग लगाता था, और वह मुझे भी कई बार आगे पीछे कर देता था। और जब वह अपना चौड़ा मुंह खोलता था तो ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस, वह बहुत ही धमकी भरे अंदाज में देखता था। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट टू फर्दर, लेकिन जो उसकी धमकी थी वह आगे तक नहीं जाती थी, अर्थात वह और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करता था। ही डिड नॉट बाइट, और वह काटता भी नहीं था। हेनरी वॉज ए हार्मलेस फेलो, हेनरी क्या था, एक हार्मलेस, हार्मलेस माने हार्मफुल माने नुकसान देने वाला, हार्मलेस माने नुकसान न देने वाला, हानि रहित, हेनरी एक हानि रहित फेलो माने साथी, हानि रहित साथी था। इफ आई पुट माय फिंगर्स इन हिज माउथ, अगर मैं उसके मुंह में अपने फिंगर डाल देता था, इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट, इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट क्या, वह अपने बेतहाशा पलों के दौरान, वाइल्डेस्ट माने मतलब दुखी होकर के जो उसके पल होते थे, बेतहाशा पल थे, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन, ही वुड सिंपली, वह बड़े ही साधारण तरीके से वेट फॉर माने प्रतीक्षा करता था मेरी, कि टू टेक इट आउट अगेन, कि दोबारा इसको वह बाहर निकाल ले। जब मैं कभी उसके मुंह में अपने फिंगर डाल देता था, जब वो बहुत ही दुखी होता था, उस समय भी वह हमेशा यही प्रतीक्षा करता था कि मैं अपनी उंगली उसके मुंह में से निकाल लूं। आई सपोज ही कुड वाइट, मुझे अनुमान हो जाता था कई बार कि ही कुड वाइट, कि वह काट लेगा, क्या करता था, मुझे लगता था कई बार कि वह काटेगा या काट सकता है, ही कुड काइट, वह बाइट काट सकता है। हिज रिजिड जॉ कैरीड ए नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ,
और उसके जो कठोर जबड़ा था, रिजिड जा माने कठोर जबड़ा, कैरीड ए नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ, बहुत ही नुकीले दांतों वाला था, बहुत ही बारीक, फाइनली माने बारीक, पॉइंटेड माने बारीक, टीथ माने दांत, बहुत ही नुकीले दांतों वाला उसका जबड़ा था। बट हेनरी सीम कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वर देयर फॉर द सोल पर्पज ऑफ चूइंग फूड नॉट फिंगर्स। बट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड, लेकिन क्या था, हेनरी को यह यकीन हो गया था, हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड, यकीन हो जाना, कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वर देयर, कि उसके दांत वहां केवल फॉर द सोल पर्पज, केवल एक ही उद्देश्य, पर्पज माने उद्देश्य, सोल माने अकेले, केवल एक अकेले उद्देश्य के लिए थे, ऑफ चूइंग फूड, केवल भोजन को चबाने के लिए, नॉट फिंगर्स, उंगलियों को नहीं। हेनरी को क्या अंदाजा हो गया था, उसको ये हो गया था कि उसके जो दांत हैं वो केवल खाना चबाने के पर्पज के लिए ही हैं, उसी उद्देश्य के लिए हैं, उंगलियों के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। उंगलियों को वह अपने भोजन के रूप में नहीं देखना चाहता था। हेनरी वॉज समटाइम विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स। हेनरी वॉज समटाइम विलिंग, हेनरी कई बार ऐसा, समटाइम्स माने कभी कभी, विलिंग माने इच्छा, टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, के जैसे कि हेनरी कभी कभी मेरे हाथों में से भोजन लेने को तैयार रहता था। विलिंग माने इच्छा करता, टू टेक फूड माने भोजन लेना, फ्रॉम माई हैंड्स माने मेरे हाथों से। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, लेकिन यह भी वह बहुत ही कैसे करता था, स्विफ्टली माने तेजी से, वेरी स्विफ्टली, वह बहुत ही यह उन्होंने बहुत तेजी से करता था। ही हिज टंग परफॉर्म्ड लाइक ए बूम रिंग एंड ऑलवेज केम बैक टू हिम विद द फूड। हिज टंग परफॉर्म्ड, और उसकी जो जीव थी वह लाइक ए बूम रैंग, एक बूम रैंग की तरह से प्रदर्शन करती थी। परफॉर्म माने प्रदर्शन करना, उसकी जो जीव थी वह एक बूम रैंग की तरह से प्रदर्शन करती थी। एंड ऑलवेज कम बैक टू हिम, और हमेशा क्या होता था, वापस आती थी विद द फूड, भोजन के साथ, और हमेशा भोजन के साथ उनके पास वापस आती थी। यूजुअली एन इंसेक्ट, आमतौर पर किसको लाती थी, इंसेक्ट माने किसी छोटे से कीट को, अटैच टू इट, जो उससे जुड़ा होता था। उस क्या होता था, उसकी टीम जो टंग थी वह बूमरैंग की तरह से परफॉर्म करती थी, या उसकी तरह से काम कर प्रदर्शन करती थी। एंड ऑलवेज कम बैक टू हिम विद द फूड, और हमेशा खाने के साथ वापस बाहर आती थी। वो यूजुअली आमतौर पर क्या पकड़ के लाती थी, किसी इंसेक्ट को लाती थी, अटैच टू इट, जो उसमें पकड़ा हुआ था। ऑल्दो हेनरी डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल इन आवर हाउस, ऑल्दो यद्यपि हेनरी डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल इन आवर हाउस, हेनरी हमारे घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी पैदा नहीं की उसने हमारे घर में। ही डिड क्रिएट सम वट ऑफ ए राइट्स इन द नर्सरी डाउन द रोड। ही डिड क्रिएट सम वट ऑफ ए, उसने लेकिन उन्होंने नर्सरी में सड़क के नीचे कुछ दंगा कर दिया था। इट स्टार्टेड आउट क्वाइट इनोसेंटली, और यह क्या था, काफी मासूमियत से शुरू हुआ था। इन क्वाइट माने बिल्कुल, इनोसेंटली माने मासूमियत से, स्टार्टेड माने शुरू हुआ था, यह बिल्कुल ही मासूमियत से शुरू हुआ था। ये वर्ड मीनिंग है बेटा, इसमें सभी बच्चे एक बार पहले पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, और उसके वर्ड मीनिंग साथ साथ लिखते जाएंगे, और ये इंग्लिश भी अपने बुक में, नोटबुक में लिखेंगे, जिससे आपकी स्पेलिंग्स ठीक हो जाएं। ओके बेटा।